हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किस तरह से बेपैड साउंड एडिटर का यूज़ करके हम किसी ऑडियो को दूसरे वॉइस इफेक्ट में कैसे चेंज करते हैं या कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप बेपैड साउंड एडिटर को यहाँ पर ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद होम टैब पर जाइए। होम टैब पर जाने के बाद ओपन फोल्डर पर क्लिक करिए। यहाँ से उस ऑडियो फाइल को या ऑडियो क्लिप को इंसर्ट कीजिए जिसका वॉइस हमें चेंज करना है। तो मैंने उस ऑडियो फाइल को सिलेक्ट किया और ओपन पे क्लिक किया। ऑडियो फाइल हमारी यहाँ पे इंसर्ट हो गई। इस ऑडियो फाइल को किसी भी वॉइस में चेंज करने से पहले एक बार हम प्ले करके इसकी वॉइस चेक कर लेते हैं। सिखवा करो भी तो किससे करो, दर्द भी मेरा और दर्द देने वाला भी मेरा। ओके, तो ये ऑडियो जो है ये मैंने खुद रिकॉर्ड किया है ताकि जिसे हम कॉपीराइट से बच सकें। तो अब इस ऑडियो को हम किसी दूसरे वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके लिए सबसे पहले आप इफेक्ट टैब पे जाइए, देखिए यहाँ पे, और उसके बाद देखिए वॉइस का ऑप्शन है यहाँ पे, इस पर एक बार क्लिक करेंगे। अब आपके सामने बहुत सारा वॉइस जो है यहाँ दिखेगा, डिफरेंट डिफरेंट टाइप का वॉइस आपको यहाँ दिखेगा, बहुत सारा आपको वॉइस दिखेगा। आप इसमें से आपको वन बाय वन चेक करना है कि आपको किस टाइप का वॉइस चाहिए और जिसमें आप कन्वर्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ मैं सबसे पहले सेलेक्ट करूँगा चाइल्ड का। तो चाइल्ड के लिए ये रहा वो चाइल्ड वॉइस, इस पर मैंने क्लिक किया और सॉफ्टवेयर ने उसको कन्वर्ट कर दिया। अब इसको हम प्ले करके देखते हैं। तो आपने देखा कि हमारी एक नॉर्मल ऑडियो क्लिप इस चाइल्ड वॉइस के फॉर्मेट में किस तरह से कन्वर्ट हो गई। अब इसको हम कंट्रोल जेड करेंगे फिर से ओरिजिनल फाइल के फॉर्मेट में। आप कोई दूसरा वॉइस में सेलेक्ट करते हैं, जैसे हमने यहाँ डेमन का ले लिया, उस पर क्लिक किया और देखिए फाइल कन्वर्ट हो रही है। अब फिर से प्ले करके देखते हैं। तो ये हो गया डेमन की साउंड। फिर से कंट्रोल जेड करेंगे ताकि हमारी जो ऑडियो क्लिप है, फाइल है, वो फिर से पहले जैसी हो जाए और इस पर कोई दूसरा वॉइस जो है अप्लाई करेंगे, जैसे कि बाथरूम का एक बार सेलेक्ट करके देखते हैं, उसको प्ले करके देखते हैं। तो देखा फ्रेंड्स, आपने इसमें बहुत सारा वॉइस है, आपको जो अच्छा लगे आप वन बाय वन चेक कर लीजिएगा कि आपको किस तरह का वॉइस चाहिए और फिर उसमें आप वॉइस को सेलेक्ट करके आप उसको कन्वर्ट कर लीजिए। कन्वर्ट करने के बाद सेव करने का तरीका बिल्कुल आसान है। होम टैब पे जाएंगे, आपको उसी फाइल को अगर जो आपने रिकॉर्ड किया उसी फाइल को सेव करना है तो डायरेक्टली सेव करेंगे, नहीं तो सेव एज करना है अगर तो सेव फाइल एज करेंगे और या उसको कोई नया नाम दे देंगे जिससे हमारी पहली वाली फाइल खराब ना हो और यहाँ नीचे जो है MP3 रहना चाहिए। और सेव क्लिक कर दिया, लोकेशन जहाँ पे आप सेव करना चाहें, और मैंने डेस्कटॉप इसको सेव कर रहा। उसके बाद बिट रेट यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, आपको जितना बिट रेट चाहिए 192.224.256.322 आपको जो अच्छा लगे यहाँ से बिट रेट सेलेक्ट कर लीजिएगा और फिर ओके पे क्लिक कर दीजिए और फाइल जो है हमारी डेस्कटॉप पे ये रही वो सेव। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप किसी भी ऑडियो को आप दूसरे वॉइस फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं बेपैड साउंड एडिटर की मदद से। तो फ्रेंड्स मुझे उम्मीद है आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।